मेरा नाम संदीप कौर है। मैं इंडियन वूमेन हॉकी टीम की फॉर्मर कैप्टन रही हाँ, कोच रही हाँ, एंड मैं 15 टाइम नैशनल चैंपियन हाँ। एज ए गर्ल मैं कभी फील नहीं होया कि मैं अपने भरावों से रही हाँ या मेरे में कोई गर्ल वाली कोई शाय मूवमेंट्स ने या कुछ है, तो जस्ट एक फन वास्ते गई स्पोर्ट्स में। और मेरा जो फन सी वो मेरा शौक बन गया और मैनू मजा आने लग पाया हॉकी। और जो सिचुएशंस थी सोसाइटी में वो भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि उस टाइम एक ऐसे माहौल में लड़कियों को बाहर निकलने देना भी पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल था। मैंने मतलब अपने आप को अकेले को ही मैनेज करना सीख लिया था, क्योंकि मैंने सुना था कि जितना जल्दी आप लाइफ में अकेला चलना शुरू कर दोगे उतना आप आगे तक जाओगे। जब हम खेल रहे थे तो ऐसा नहीं है कि खेलते हुए हमें मतलब कभी कोई डिफ़िकल्टी ना आई हो, हमने स्पोर्ट्स ही डिफ़िकल्टी में किया है, उस टाइम को हमने डिफ़िकल्टी में निकाला है। अगर हम उस टाइम को डिफ़िकल्टी में नहीं निकालते तो आज जो हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं वो बिल्कुल भी आगे नहीं आते। उस टाइम हमारा यही पैशन था कि हमने अपने कंट्री के लिए खेलना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, हम जिस जगह पर रहते हैं हमने उसका नाम रोशन करना है, और हमने बेसिकली सबसे अपना नाम रोशन करना है कि मैंने एज ए गर्ल कंट्रीब्यूट क्या किया। जैसे स्पोर्ट्स करते करते हम लोग चंडीगढ़ तो आते ही रहते थे, इधर हॉकी का काफ़ी क्रेज़ है चंडीगढ़ में भी। मेरा एक सपना तो था ही कि मैं चंडीगढ़ में घर हो मेरे पास। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं जो सुषमा से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमारे को बताया कि सुषमा अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, बहुत अच्छी जगह पर बन रहे हैं। क्योंकि मुझे ना एक पीसफुल जगह चाहिए थी कि जहाँ मैं आराम से अपना जब जाऊँ मैं पीसफुली उसको रह सकूँ, तो हमें जॉय नेस्ट में अच्छा लगा उस टाइम काफ़ी। फिर हमने सोचा कि इधर हमें एक फ्लैट लेना चाहिए। तो अपनी फिटनेस की तरफ भी मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ अपना, मैं अभी साइकिलिंग करती हूँ। मैं इधर जू साइड में और एयरपोर्ट रोड पे और एयरपोर्ट तक या उससे आगे मैं चली जाती हूँ और साइकिलिंग करके मतलब मेरे को अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर सुषमा में भी अभी कुछ स्पेस है, जैसे वॉकिंग के लिए भी अच्छा स्पेस है, और कभी कभी यहाँ मैं छोटे बच्चों के साथ भी खेलती हूँ जो यहाँ पार्क में खेलते हैं, तो उनको मैं मतलब जो मेरे से होता है मैं उनको सिखाती हूँ छोटे बच्चों को। एज ए हॉकी प्लेयर मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और काफ़ी मुश्किल समय भी देखा है, और हार्ड वर्क करते हुए मतलब उन चीज़ों को मैंने जीता भी है। और मतलब मेरा ये कहना है कि अगर हम अपनी लाइफ को कॉमन रखते हैं, मुश्किलों के साथ हार्डवर्क करते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स की फैमिली की सपोर्ट साथ में रखते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तो आप किसी भी समस्या को पार पा सकते हैं।